हाय मेरी YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बस इतना बोलकर साइलेंट हो जाओ, पार्टनर तभी समझेगा, तभी वो आपकी वैल्यू करेगा, तभी वो आपकी कदर करेगा, तभी वो इज्जत करेगा, तभी वो आपके प्यार को पहचान पाएगा। नहीं तो आपको कूड़ा कबाड़ी समझा जाएगा और पिछवाड़े पे आपको डंडा मारा जाएगा, कभी आपकी वैल्यू नहीं करी जाएगी, हमेशा आप रोते रहोगे और कुत्ते की दुम की तरह पीछे भागते रहोगे टुकड़ी टुकड़ी। ठीक है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा जिंदगी क्या होगी। ऊंट गाड़ी हो क्या? टुक 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 भाग रहे हो? ट्रेन हो क्या? छुक छुक उनके पीछे ही भागे जा रहे हो? उनको एहसास करवाते हो, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। जहाँ एहसास कराना पड़े वहाँ कभी प्यार नहीं होता। ये चीज़ें तुम्हें ही पता है ना, डेफिनेटली पता होंगी। तो वीडियो का मोटिव क्या है कि साइलेंट इतना बोलकर, क्या बोलकर तुम्हें साइलेंट होना है ताकि सामने वाला भी वो दर्द, वो पेन, वो चीज़ों को फील कर सके। तो वीडियो के साथ बने रहना, जो भी काम कर रहे हो उनको डंडा मारो और ध्यान से वीडियो को देखो। उससे पहले मेरा एक व्लॉग चैनल है, विजय निपा व्लॉग, ठीक है, उससे मैं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड व्लॉग वगैरह डालूंगा। और आज एक व्लॉग डाला है तो उसको जाके जरूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है और आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे विजय लवर टिप्स आप सर्च करोगे होम स्क्रीन पे, कैसे मैंने चैनल को पुट कर रखा है। तो आपने देख लिया, ऐसे जाके सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना व्लॉग बनाऊं या नहीं बनाऊं। अब आएंगे मेरे पॉइंट पे कि यार साइलेंट कैसे होए। ठीक है सर, हमने तो साइलेंट होके भी देखा है सर, हमने तो 10-10, 15-15, एक एक मंथ बात नहीं करी सर, हमने तो 2-2 मंथ बात नहीं करी, 6-6 मंथ हो गए, आज तक तो वो आई नहीं सर, हमने तो उसे ब्लॉक भी कर दिया, ऐसा साइलेंट होके भी देखा है सर, हमने तो उसको इग्नोर करके भी देखा, हैप्पीनेस भी देखी, बट हमारे बॉयफ्रेंड को, हमारी गर्लफ्रेंड को हमारा प्यार फील ही नहीं हो रहा। ठीक है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो क्वेश्चन भी मैं क्लियर करूंगा, पहले अब ध्यान से सुनो। अब आपको साइलेंट किन चीजों में हो गए वो सुनो। अब आपकी थोड़ी सी फाइट हुई, अब आप साइलेंट हो गए, ले भाई मैं तुम मौन धारण कर लूंगा, बिल्कुल कॉल मैसेज नहीं करूंगा, वो कंडीशन नहीं करने। आपको साइलेंट उन चीजों में होना जब आपके साथ ऐसी हरकतें हो कि आपको पता चल जाए मेरा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की से बात कर रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के से बात कर रही है, तब आपको थोड़ा सा स्पेस बनाना है। ठीक है, अब आपका 2-3 मंथ का रिलेशनशिप है, ठीक है, या 6 मंथ का है, 1 साल का है, अब आप सोच रहे हो यार ये तो लड़के से, अगर आपके पास प्रूफ है तो देखो, अगर आप लड़की हो तो लड़कों से बात कर सकते हो नॉर्मली, हाय हेलो, उसको आप जज नहीं कर सकते उसका बॉयफ्रेंड है या उसकी गर्लफ्रेंड है। हाँ, अगर वो घंटों उससे बात कर रही है, कर रहा मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ जाऊंगा, तब आप समझ सकते हो तो दाल पूरी काली हो रही है। तब आप थोड़ा अपने आप को मेंटेन करो, स्पेस बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि आपकी भी इज्जत है, आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 10 बार चीजें हो रही है तो 10 बार चीजें झूठला नहीं सकते। आप अपने माइंड को कितना ही समझा लो वो लड़की अच्छी है, वो लड़का अच्छा है, बट बार बार चीजें आपके माइंड में आ रही है, बार बार अगर आपको डाउट हो रहा है तो वो रिलेशनशिप किसी काम का नहीं है। वहां आपको दूरियां बनानी चाहिए, चुप होना चाहिए। अगर प्यार होगा तो वो लड़की एफर्ट्स लगाएगी, प्यार होगा तो वो लड़का एफर्ट्स लगाएगा, क्योंकि उस लड़के को चीजें क्लियर नहीं हो रही, उस लड़की को क्लियर नहीं हो रही, आपको क्लियर नहीं हो रही ना, आपको डाउट आ रहा है। बट आपका बॉयफ्रेंड है, जो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो भी सोच रहा है ठीक है कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो बाढ़ में जाए। तो समझ जाओ ये रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, इस रिलेशनशिप में वो प्यार नहीं है, क्योंकि चीजें आपको क्लियर करनी है बट वो आपकी गर्लफ्रेंड है, जो बॉयफ्रेंड है, वो करना नहीं चाह रही। ठीक है, रिलेशनशिप का 10% भी अगर वो लड़की या लड़का एफर्ट्स नहीं लगाना तो आप समझ जाओ इस कंडीशन में आप साइलेंट भी हो गए ना, तो आपके सामने फेस सामने आया, ये फेक लड़की है, ये फेक लड़का है, तो यहाँ आप चीज़ों को जज कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है ऐसे के साथ रहने से। ठीक है, अब मेरे पॉइंट पे आएंगे कि आप साइलेंट हो गए, ठीक है, उसे फर्क पड़ गया, 7 दिन में वो आ रहा है, 5 दिन में आ रही है, ठीक है, 10 दिन में आ गई है, 15 दिन में आ गया, तो फिर आप क्या करते हो, 1-2 दिन तो स्ट्रांग बनते हो, वापस से वैसे ही हो जाते हो आप, फिर आप कहते हो सर वो तो वापस से ऐसी होगी, वैसा हो गया, गलती किसकी? आपकी। आपने बच्चे को सुधारने के लिए घर से बाहर निकाला, बच्चा सुधरना चाह रहा है, फिर आप क्या कर रहे हो, उसको वही बाइक दे रहे हो, वही कार दे रहे हो, वैसे ही पैसे दे रहे हो, वो वापस से बिगड़ेगी। आप क्या करने लग जाते हो, 2 दिन सही रहा है आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, फिर वापस से आप कॉल पे कॉल, मैसेज, कहाँ जा रहा है, क्यों कर रहा है, तू मेरे को टाइम नहीं दे रहा, ऑनलाइन है, वो ही हरकतें आप करने लग जाते हो, फिर वो स्ट्रांग बन जाता है वो लड़का वो लड़की। हाँ, तेरे को जो समझना है समझ, तेरे को जो सोचना है सोच, क्योंकि एक कहावत है, लोग यही कहेंगे तेरे को जो सोचना है सोच, और ये चीज़ें तुम्हें मार देगी, तुम्हें लगेगा क्लियर ही नहीं कर रही, क्लियर ही नहीं कर रहा, क्यों करेगा,
आप कुत्तों के जैसे पहले जैसे क्यों हुए? देखो अब आपको मैं एक रूल समझाता हूँ, जब फाइट वगैरह हो रही है आप साइलेंट हो गए, साइलेंट 7 से 5 दिन के बीच में होना, ज़्यादा होने से रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, ठीक है, वो आपके बिना रहना सीख जाएगा, सीख जाएगी। उस कंडीशन में वो बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है कॉल वगैरह कर रही है, आपको नॉर्मल बात करनी है, हाँ क्या हुआ कैसे हो, चलो ठीक है मैं आपको 10 मिनट में करता हूँ, आपको 10 मिनट के बोल कर कॉल करना है नहीं, आपको कम से कम 3-4 घंटे बाद कॉल करना है, ठीक है, अटेंड कर रहे हो, ठीक है नॉर्मल बात, और बढ़िया खाना वगैरह खा लिया, वो आपको फोर्स कर रहा बात वगैरह, नहीं नहीं यार मैं अभी नहीं कर पाऊंगा बाद में करता हूँ, फिर वो कितने एफर्ट्स लगा रहा है वो देखना है आपको, ठीक है, आपको ऐसे ट्रीट करना है, फिर आपको नॉर्मल अपने स्टेटस वगैरह डालना है, वो मिलने फिजिकल वो चीज़ें बोले तो आपको थोड़ा अवॉइड करना, हाँ होएंगे फिर आपको मना कर देना, एकदम से जाना नहीं है, कॉल नहीं करना, वहाँ क्या वो आपके लिए सोचेगा, बट अगर आप दूसरी तीसरी बार भी यही हरकतें करोगे तो वो सोचेगा चूतिया बना रही है बना रहा है, फिर वो आपके बिना रहना सीख जाएगी, फिर आपको सेकंड टाइम थोड़ी चीज़ें करनी है, फिर आपको कॉल वगैरह भी थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग भी होती है फिजिकल, अगर कोई सीरियस लव है तो वहाँ बॉन्डिंग होती है, क्योंकि फिर वो आपकी तरफ बंदा रहेगा, वो बंदा या बंदी बंदी रहेगी, हाँ यार ये चीज़ें, क्योंकि अगर आपका फ्यूचर है अगर डिसाइड कर रहा है सब चीज़ें तो वहाँ आप कर सकते हो, एक बार अवॉइड कर दिया दो बार थर्ड फोर्थ बार थोड़ा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, फिर ऐसा लग जाएगा कि आप सेल्फिश हो रही हो, आप रिलेशनशिप को मतलब माइंड से चला रही हो, तो वैसा भी नहीं लगना चाहिए, सस्पेंस में रहना चाहिए तो आपका रिलेशनशिप बेटर चलेगा। आपको ये नहीं प्यार देना है, वो प्यार दो लिमिट का देते रहो फिर एकदम से गायब हो जाओ तब मज़ा आता है, ठीक है, गायब ये नहीं है 10 दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए। अब थर्ड पॉइंट ये है कि सर उसे फ़र्क नहीं पड़ता, हमने इग्नोर करके देख लिया, किसी और के साथ पिक डाल के देख ली, घूम के देख लिया, देखो फ़र्क तो उन्हीं को पड़ेगा जिनके दिल में प्यार होगा, 100 बार तुम्हें समझाता हूँ, आज तुम्हारी मम्मी के लग जाए, भाई का एक्सीडेंट हो जाए, तुम हॉस्पिटल जाओगे नहीं जाओगे, जाओगे ना, आज जैसे मेरी बहन थी एडमिट थी तो किसी दोस्त ने हेल्प करी थी, ब्लड दिया था, आज उसकी बहन को हेल्प की नीड पड़ी, वो सब जगह घूम लिया, ब्लड वगैरह मैंने अरेंज करवा दिया था बट वो कह रहे हैं कि नहीं किसी बंदे को पर्टिकुलर देना होगा 5-6 जनों को, तो उसने मेरे को कॉल करा, ठीक है अब मैंने ऑलरेडी ब्लड वगैरह दिया हुआ था अभी 1 मंथ पहले, मैं दे नहीं सकता, गया मैं वहाँ 3-4 घंटे रुका वहाँ, सब दोस्तों को बुलाया और ब्लड का अरेंज करवाया, ठीक है, क्योंकि मेरे को फ़र्क पड़ा था कि यार इस बंदे ने मेरी हेल्प करी है मैं भी हेल्प करूँगा। तो ये मोटिव क्या है इस एग्जांपल का, मोटिव ये है कि अगर वो बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड आपसे प्यार करता हुआ करते होगी तभी तो फ़र्क पड़ेगा, अगर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है दिया होगा मैं तो नहीं जा रहा बाढ़ में जाए तो फिर मैं सेल्फिश हूँ, बट आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सेल्फिश है क्योंकि आप लड़के के साथ घूम रही हो या लड़की के साथ घूम रहे हो, आपने कॉल नहीं करे मैसेज नहीं करे उसको पड़ी नहीं है 15 दिन 20 दिन 1 मंथ हो गया, वो आपसे प्यार थोड़ी करता है, तो आप यहाँ समझ जाओ उसको इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए उसने 1 मंथ से 2 मंथ से आपको कॉल मैसेज नहीं करे क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करता नहीं करती, जो करेगा वो नहीं रह पाएगा, पानी के बिना रह सकते हो नहीं ना, तो आपके बिना रह रहा है तो प्यार ही नहीं है, सीधा सा फंडा है सीधा सा क्लियर कट जवाब है। तो भाइयों व्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जाओ, इतना सब्सक्राइब कर दो, 300-400 सब्सक्राइबर तो करा सकते हो, तो मज़ा आएगा, बस ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना, जय हिंद जय भारत।